पन्नो अकल के करीब एक गांव में, जो कि बहुत बड़ा गंदम का खेत है, और इस वक्त चारों तरफ मेरे जो है वो गंदम के गोल्डन बाग लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और गंदम की कटाई का मौसम भी है। ये मेरे साथ वारिस शाह हैं। गैर हमवार रास्ते, बड़ी मुश्किल से जो है वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। आखिरकार ये गाड़ी पहुँच चुकी है। अब हम थोड़े ही लम्हे में हम आपको स्ट्रॉबेरी के बागात में ले चलेंगे, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि स्ट्रॉबेरी की फसल किस तरीके से बनती है, पैदा होती है और किस तरीके से लगाई जाती है। कच्चे की ज़मीन है ये कौन सा इलाका है? ये कच्चे का इलाका है, दरिया के बीचों बीच, दरिया के बीचों बीच का इलाका है सिंध में। ये पनवाकल, ये गंदम की फसल जो है, ये आप कुछ बता सकते हैं कि ये कौन से मौसम में इसकी लगाते हैं और किस मौसम में इसको काटते हैं? ये अभी मार्च में काटेंगे, इसी माह में। मार्च में? नहीं, मतलब ये इसकी लगाई जो है वो कब शुरू होती है? जब इसको लगाते हैं होती है तकरीबन दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में इसको लगाते हैं बीज इसका, दिसंबर में। और इसकी कटाई जो है, ये कटाई तकरीबन मतलब ये जैसे शुरू हो रहा है, कटाई हो रही है यहाँ पे सारी, मतलब इसकी कटाई का मौसम अब शुरू हो गया है। मार्च और अप्रैल के अंदर जो है वो तकरीबन इसकी कटाई जो है मुकम्मल हो जाएगी। ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ सिर्फ गंदम ही गंदम नज़र आ रही है आपको, और ये कुछ एरिया में ये कटी हुई गंदम भी आपको नज़र आ रही है। देखिए इसकी कटाई हो चुकी है, ये गंदम निकल भी गई है। गंदम की बोरियां भर के रखी हुई हैं जो अब मार्केट में जाएंगी। ये सलीम चाचड़ साहब हैं जो हमारे से रोड़ी से हमारे साथ आए हैं, और हमें गंदम के फसल के बारे में उन्होंने अहम मालूमात फराहम की है। अब ये जैसे गंदम का फसल उगलेगा तो उसके बाद फिर कपास की फसल लगाएंगे। अच्छा, मतलब इसी ज़मीन के ऊपर जो है वो कपास भी लगाई जाएगी। कपास भी लगाई जाएगी और जो है ना वो कमंद भी यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। हम गंदम के खेत में मौजूद हैं, हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं, जिसके गांव हम आए, इनके गांव हम आज आए हैं घूमने के लिए और स्ट्रॉबेरी खाने के लिए, स्ट्रॉबेरी की फसल देखने के लिए। और उसी रास्ते में हमें ये गंदम के बागात नज़र आ गए, गंदम के खेत लगे नज़र आए, तो हमने इसी की वीडियो भी पिक्चराइज कर ली है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। बस वारिस शाह बड़ी मुश्किल में है।